नौजवानों बात मानो, कभी किसी से न प्यार करना। नौजवानों बात मानो, कभी किसी से न प्यार करना। शुरुआत बहुत ही हिली हुई थी। हमें प्यार का हुआ, ये आपकी जोन नहीं है, आप इसमें फिट होने की कोशिश कर रही थी, नो प्रॉब्लम। बट अंतरे में आपकी जोन आ जाती है जहाँ थोड़ी हरकतें मुर्खियाँ हैं और वो आप कंफर्टेबली गाती हैं, वहाँ से आप बेहतर होना शुरू हो गई। पर ये जो चेंज आया ना, जब ये स्केल चेंज होता है, वहाँ पर आपकी और खुल के आवाज़ निकलेगी, मुझे उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। और मुझे वहाँ से गाना आपका बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू अमृता। इट वाज अ वेरी वेरी शेकी काइंड ऑफ अ सिंगिंग, लेकिन आवाज की क्वालिटी बड़ी प्यारी है तुम्हारी। देयर इज समथिंग अबाउट योर वॉइस, और वो समथिंग को अभी आपको निखारना पड़ेगा। सो आई थिंक इट्स अ 50-50 चांस। गॉड ब्लेस। जैसे होता ना कि गाना सुनते वाह निकलता है, ऐसा नहीं निकला। अमृता, आई फील कि अगर आपको आगे जाना है इस शो में, आपको हर टाइप का गाना गाना पड़ेगा। ओके, सो आपको बहुत मेहनत की जरूरत है अमृता। ओके अमृता, वेल डन। वेल डन, वेल डन। अगला जो पड़ाव है, बड़ा मंच जो आपके सामने वहां पर है, द गालाज, वहां पर अगर आप नहीं जाते हैं, कितना दुख होगा आपको इस बात का? दुख तो बहुत होगा, लेकिन अभी मैं 18 की हूँ, मतलब बहुत ट्राई भी कर सकती हूँ आगे। बिल्कुल। तो इसीलिए ज़्यादा, मतलब अगर ज़्यादा डिप्रेस हो जाऊँगी तो मतलब मेहनत भी नहीं कर सकती, इसीलिए। दैट्स ग्रेट एटीट्यूड अमृता। अ बिग हैंड फॉर अमृता। थैंक यू। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।